हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जोन। इस वीडियो में हम एचटेट यानी हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2019 को डिस्कस करेंगे और ये आपका पेपर हुआ है 17 नवंबर 2019 को। ये आपका लेवल 2 का पेपर है जो कि मॉर्निंग शिफ्ट में लिया गया है और इसमें हम एप्टीट्यूड के क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी के क्वेश्चन और जीके अवेयरनेस के क्वेश्चन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसमें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथनों के आधार पर सही निष्कर्ष कौन सा होगा? पहला कथन है, सभी पत्ते जड़े हैं, यानी ऑल लीव्स आर रूट्स, कुछ जड़े शाखाएं हैं। तो आपको जो है निष्कर्ष दिए हुए चार, इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है, यानी सभी जो लीव्स हैं वो रूट्स हैं और कुछ जड़े, सम रूट्स आर ब्रांचेज, सम रूट्स आर ब्रांचेज। तो इसमें आपका आंसर आएगा सम रूट्स आर लीव्स, कुछ रूट्स जो है लीव्स हैं। डी इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा, फोर्थ इसमें आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो व्यक्ति अपने कार्यालय से अपने अपने घर के लिए रवाना होते हैं। पहला व्यक्ति उत्तर दिशा में 8 किलोमीटर, दूसरा व्यक्ति पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर की दूरी तय करके अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। तो दोनों व्यक्तियों के घर की दूरी, सीधी दूरी कितनी है? तो इसमें आपका आंसर आएगा 10 किलोमीटर, यानी एक उत्तर दिशा की तरफ जाता था 8 किलोमीटर, एक पूर्व की तरफ जाता है 6 किलोमीटर। तो आपका जो सीधी दूरी, आपको ये निकालनी है, हाइपोटेन्यूस निकालना है, या आपका जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो ये आपका आएगा 10 किलोमीटर। तो फर्स्ट इसमें आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 7:20 पर घड़ी के बड़ी सुई से छोटी सुई के बीच कांस का कोण कितना होगा? तो इसमें आपका एक सिंपल मेथड होता है, जैसे आपका 7:20 के बीच का आपको अंतर निकालना है, तो आप 7 को मल्टीप्लाई कर दो 30 से, ये आपका आ जाएगा 210, और मिनट को मल्टीप्लाई कर दो 11/2 से, तो ये आपका आ जाएगा 110, और इनके डिफरेंस, इसका डिफरेंस कर दो तो ये आपका आ जाएगा 100 डिग्री। तो इसमें आपका आंसर आएगा सेकंड, 100 डिग्री इनके बीच का एंगल होगा। सिंपल, आपको कोई भी टाइम दिया हुआ उसको 30 से गुणा कर दो हावर एंड को, जो आपका जैसे 7 बजे है, और जो मिनट वाली है उसको 11/2 से कर दो और उनका डिफरेंस निकाल दो। अगर ये आपका जो है 180 से ज्यादा आता है तो इसको 360 में से माइनस कर दो माइनर एंगल निकालने के लिए। नेक्स्ट आपको जो है ये श्रृंखला पूरी करनी है, तो इसमें आपका आंसर आएगा ई वाई, थर्ड इसमें आपका आंसर आएगा WEFG, ये आपका जो है जैसे EFG HIJ KLMN, ये आपका इस प्रकार से एक छोड़कर एक, ये आपका जो है ये सीरीज चल रही है और ये आपके इस तरफ से स्टार्ट हो जाएगी, तो इसमें आपका आंसर आएगा ई वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ग्रांट को ये कहा जाता है, टाइम को, टाइम का मतलब होता है ये, तो प्राइड का मतलब क्या आएगा? तो ये आपका सिंपल है, जैसे GRANT, तो इसका कोड कैसे बनाए? तो इसका कोड बनाए UOBSH, तो TU, T के बाद क्या आता है, यू, ये यहाँ पे लिख दिया। फिर आपका जो है N के बाद क्या आता है, O आता है, ये यहाँ पे लिख दिया। A के बाद क्या आता है, B आता है। R के बाद S आता है, ये यहाँ पे लिख दिया, और G के बाद H आता है, ये यहाँ पे लिख दिया। यानी आपका जो है उल्टे से स्टार्ट हो गया। ऐसे ही T के बाद क्या आता है, TU, ये लास्ट में लिख दिया। I के बाद IJ, M के बाद MN, और E के बाद EF, तो ये यानी लास्ट का जो है, लास्ट से अगला अक्षर सबसे पहले लिख दिया, तो ई के बाद क्या आएगा, एफ आएगा, तो इस हिसाब से आपका कोड आएगा थर्ड, तो 3 इसमें आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट में आपको जो है इसका नेक्स्ट अक्षर बताना है, तो DEFGHIJKLMNOPQRST, यानी आपका तीन तीन का अंतर है और इस हिसाब से ये चलता आ रहा है, तो इसमें आपका आंसर आएगा जे KLMNOPQRSTUV, तो थर्ड इसमें आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट आपका 67th क्वेश्चन,
एक कस्बे की जनसंख्या 8500 है। यदि पहले वर्ष में इसकी वृद्धि 20% हुई, दूसरे वर्ष में 25% वृद्धि हुई, तो 2 वर्षों के बाद इसकी जनसंख्या कितनी हुई? यानी 8500 उसकी जनसंख्या है, पहले वर्ष में 20%, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 20% 1/5, यानी 5 के ऊपर 1 की वृद्धि हुई, तो अब यह आपकी आगे 6/5। और फिर अगले वर्ष ये जनसंख्या बन गई, पहले वर्ष में इसके बाद 25% की वृद्धि हुई, 25% का मतलब होता है 1/4, यानी 4 के ऊपर 1 की वृद्धि हुई, तो ये आपका 4 के ऊपर 1 वृद्धि हो गए, 5 हो गया, 5/4। तो आप इसको निकालोगे 3/2, इसको सोल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 12,750, तो सेकंड इसमें आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18,000 रुपये पर 2 वर्ष के 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? तो 18,000 रुपये है तो 10% ब्याज लग रहा है, तो 10% ब्याज पहले साल में इस पे लगेगा 1800, और दूसरे साल में भी 1800। ये तो आपका आ गया सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? ब्याज के ऊपर भी ब्याज, तो पहले साल का ये ब्याज बना था, इसके ऊपर भी 10% लगाओगे, 10% क्या होता है 1/10 होता है इसका, तो 1/10 कितना आ जाएगा 180 रुपये, तो ये चक्रवर्ती ब्याज इसका ज्यादा लगेगा, तो सेकंड इसमें आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69th क्वेश्चन, 14,500 रुपये साधारण ब्याज पर 6 वर्ष में 21,460 रुपये हो जाते हैं, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? तो ये आपका जो सिंपल सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लग जाएगा PRT/100, तो इसमें आपका आंसर आएगा 8%, तो फोर्थ इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुजाकार खेत की बुझाई क्रमशः 20 मीटर, 21 मीटर और 29 मीटर है। इस खेत पर 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्च क्या होगा? तो ये आपका जो है ट्रायंगल दिया हुआ है, और ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। 21 का स्क्वायर कितना होता है? 21 का स्क्वायर होता है 441, 20 का स्क्वायर होता है 400, और 29 का स्क्वायर होता है आपका 841, जो कि इन दोनों के स्क्वायर के बराबर है, यानी ये आपका बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो इसका एरिया भी आप आसानी से निकाल सकते हैं, तो एरिया कैसे निकालेंगे? हाफ 20 गुना में 21, हाफ बेस इंटू हाइट, तो ये आपका आ जाएगा 210, 210 इसका मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया, और 15 रुपये के हिसाब से जो है 1 मीटर का जो है आपका जो है फसल काटने का खर्च आएगा, तो टोटल 210 मीटर स्क्वायर में कितना खर्च आएगा? तो ये आपका आंसर आएगा 3150 रुपये, तो थर्ड इसमें आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों के औसत रन की संख्या 36 थी, इनमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए हो, तो शेष खिलाड़ियों की औसत रन की संख्या कितनी होगी? तो 6 खिलाड़ियों की औसत कितनी है? 36 है, यानी 6 खिलाड़ियों ने मिलकर कितने रन बनाए? 36 गुना में 16, 36 गुना में 6, 216 रन बनाए, तो एक ने 16 रन बनाए, तो इसके रन हम माइनस कर देंगे, तो इसके अलावा रन कितने बने? 200 रन बने, और खिलाड़ी कितने बच गए? 5, तो 5 खिलाड़ियों की औसत कितनी आ गई? 40 इनकी औसत आ गई, तो फोर्थ इसमें आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 24, 60, 120, 210, तो इसमें आपका नेक्स्ट आएगा 360, इसमें आपका 336 इसमें आपका आंसर आएगा, फर्स्ट इसमें आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बस तथा एक कार की चालों का अनुपात 6:7 है, यदि कार 4 घंटे में 364 किलोमीटर की दूरी तय करे तो बस की चाल बतानी है आपको, तो यानी कार की चाल कितनी आएगी? 364/4, 91 किलोमीटर पर आवर, तो 6:7 है, 6:7 कितनी है? बस की और कार की, तो ये आपने कार की निकाल ली 91, तो 7 पार्ट 91 के बराबर है, 1 पार्ट 13 के बराबर है, तो 6 पार्ट कितने किसके बराबर आएंगे? 78 के बराबर आएंगे, तो थर्ड इसमें आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में गो होम को टा ना कहा जाए, स्वीट होम को ना जा कहा जाए, तो स्वीट एंड श्योर को पासा जा कहा जाए, तो श्योर का आपको जो है कोड बताना है, तो इसमें आपका जो है जा तो आपका कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जा का कोड आ जाएगा जो इन दोनों में कॉमन है स्वीट, एंड श्योर का आपका जो है या तो आपका पा और सामे से होगा, तो इसमें आपका थर्ड करेक्ट आंसर आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और इनका योगफल 240 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा? तो 3:5 है तो दोनों संख्याओं का जोड़ यानी 8 पार्ट की वैल्यू 240 दे रखी है, तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 आ जाएगी। और इनका अंतर कितना है? 2 पार्ट का है, तो 2 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 आ जाएगी। तो फर्स्ट इसमें आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, यदि किसी संख्या का 60% का 3/5 भाग 36 हो तो संख्या का मान क्या होगा? तो 60% कितना होता है? 3/5। 3/5 का 3/5 का 36 हो, तो आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 और 5 5 जा 25 और 4 से उस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो इसमें आपका आंसर आएगा 100। तो सेकंड इसमें आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, ड्राइवर का कोड है 12, पेडिस्ट्रियन का कोड है 20, एक्सीडेंट का कोड है 16, तो कार का कोड क्या आएगा? तो ये आपकी नंबर ऑफ लेटर कितने हैं इसमें? इसमें 6 लेटर है, तो 6 × 2 = 12। इसमें 10 लेटर है, 10 × 2 = 20। इसमें 8 लेटर है, एक्सीडेंट में 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 लेटर आ गए, तो इसका कोड आ गया 16, गुणा में 2 कर रखा है। तो कार, कार में 3 लेटर है टोटल, 3 × 2 = 6, तो सेकंड इसमें आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में समाप्त करते हैं। ए और बी किसी काम को मिलकर 15 दिन में समाप्त करते हैं और बी अकेला इस काम को 20 दिन में करता है, तो ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा ये आपको बताना है। तो दोनों का मानना, दोनों 60 काम करते हैं, तो एक दिन में पर डे वर्क ए और बी मिलकर 4 काम करेंगे, बी अकेला एक दिन में कितने काम करेगा? 3 काम करेगा। अगर बी अकेला 3 काम करता है तो ए 1 काम करेगा, तो ए एक दिन में 1 काम करता है, तो 60 काम कितने दिन में करेगा? 60 दिन में करेगा। तो फर्स्ट इसमें आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़कों के एक पंक्ति में अनिल बाएं छोर से 16वें स्थान पर खड़ा है, विकास दाएं छोर से 18वें स्थान पर खड़ा है, गोपाल अनिल से दाई ओर 11वें स्थान पर है और विकास से दाई छोर की ओर 3रे स्थान पर है, इस पंक्ति में कितने लड़के खड़े हुए हैं? तो इसमें आपका आंसर आएगा फर्स्ट, 41 लड़के इसमें खड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष है यानी कौन सा लीप ईयर है? तो ये आपकी चारों सेंचुरी दी हुई है, तो सेंचुरी को हम 400 से भाग करके देखते हैं, अगर कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है तो वो लीप ईयर होता है, तो इसमें आपका आंसर आएगा 2000। आप 800 को, 900 को, 1700 को इस 400 से भाग करोगे तो आपका जो है रिमाइंडर बचेगा 00, ये आपका 1 रिमाइंडर बचा, इसमें आपका 3 रिमाइंडर बच जाएगा, इसमें आपका 2 रिमाइंडर बच जाएगा, तो 400 से भाग करके देखते हो आप सेंचुरी को, तो इसमें 2000 लीप ईयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कितने प्रशासनिक मंडल हैं? तो हरियाणा में 6 प्रशासनिक मंडल है, थर्ड इसमें आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का शहर जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, तो इसमें आपका गुरुग्राम, सोनीपत और फरीदाबाद एनसीआर एरिया में आते हैं, हिसार इसमें नहीं आता, फोर्थ इसमें आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुग्राम किस प्राचीन गुरु से संबंधित है? तो गुरुग्राम गुरु द्रोणाचार्य से संबंधित है, सेकंड इसमें आपका आंसर आएगा। हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर है साक्षी मलिक। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कहां से स्टार्ट किया गया था? पानीपत से ये स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला जो दूसरे राज्यों के साथ सीमा साझा नहीं करता, तो हरियाणा का रोहतक ऐसा जिला है जो दूसरे राज्यों के साथ सीमा साझा नहीं करता, और रोहतक के अलावा चरखी दादरी भी ऐसा जिला है, चरखी दादरी हरियाणा का 22वां जिला बना है और चरखी दादरी भी किसी अन्य राज्य के साथ सीमा उसकी नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है वह नदी कौन सी है? तो वह नदी है यमुना नदी, और उत्तर प्रदेश हरियाणा के पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रताप सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध कहाँ विद्रोह किया था? तो प्रताप सिंह और अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह हुआ था जींद में, और यह विद्रोह कब हुआ था? 1814 में यह विद्रोह हुआ था, तो सेकंड इसमें आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है बाढ़सा में, बाढ़सा हरियाणा के झज्जर जिले के अंतर्गत आता है, तो यह आपका जिला हो तो झज्जर जिले में है,
और गांव पूछा है तो यह बाडसा गांव में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना नगर किस लिए प्रसिद्ध है? तो सोना नगर गुरुग्राम जिले के अंतर्गत आता है और यह गर्म जल के स्रोत के लिए, गर्म पानी के कुंडों के लिए प्रसिद्ध है। तो थर्ड इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? तो हरियाणा का राज्य पशु है ब्लैक बक या कृष्ण मर्ग। तो फर्स्ट इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा, या काला हिरण। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए, और साथ ही स्टडी जोन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल का भी बटन जरूर दबाएं। थैंक यू।